सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों ने पूर्व प्रत्याशी रंजू रामावत की कार्यप्रणाली को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजे विवाद के बाद अब नगर कांग्रेस अध्यक्ष और साथ ही पालिका में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया। गुरुवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के जाखा माता धर्मशाला में कांग्रेस का होली सलय मिलन समारे इसमें रंजू रामावत के प्रति अपना गुस्सा निकाला। उत्तर प्रदेश नेतृत्व में बुधवार को की गई चारों नियुक्तियों को स्थगित करने के आदेश भी जारी किए। पहले विधानसभा चुनाव में स्थानीय नेताओं ने अधिकृत प्रत्याशी बनने के लिए अपने आवेदन पर पेश किए और उसके बाद जयपुर से दिल्ली तक अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए पूरे प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस की ओर से जारी सूची में सिरोही जिले का निवासी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्यता रंजू रामावत को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। विधानसभा चुनाव के दौरान नेतृत्व के फैसले से नाराज कार्यकर्ताओं के चलते ही पार्टी दो गुट में बंट चुकी थी, जिसका खामियाजा चुनाव परिणाम के दौरान साफ तौर पर देखने को मिला। कार्यकर्ताओं की मेहनत है और ये कांग्रेस सिंबल के वोट है। अब इसकी इतनी महत्वाकांक्षा वाली ऐसी लेडी है, इस स्थिति में अगर इसको हमारे लोकसभा के अभी चुनाव है, अगर ऐसे लोगों को हमारे प्रत्याशी इनको साथ में रखेंगे तो मेरा विश्वास है कि शायद कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ है शायद वो पार्टी से किनारा करेंगे और दूसरे लोकसभा क्षेत्र में जाके वो कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे। हम कांग्रेस के साथ में हैं, पार्टी को मजबूत करेंगे, करते रहेंगे और कर रहे हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।